नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। आगरा में किसानों की बिजली समस्या और कृषि कानून के विरोध में बुधवार को दोपहर में समाजवादी पार्टी द्वारा सुर सदन में किसान और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई थी, जिस दौरान अचानक बिजली चली गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सुर सदन चौराहों पर पहुंचकर एक घंटे तक हंगामा किया। इसके साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड जाम करने की भी चेतावनी दी, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई, जिसके बाद दोबारा सम्मेलन शुरू किया जा सका। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन ने सरकार के इशारे पर कार्यक्रम को बाधित करने के लिए बिजली कटौती के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन और पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह ने सम्मेलन में किसानों और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। दक्षिण विद्युत निगम के हो रहे उत्पीड़न किसानों की इस समाजवादी पार्टी के आंदोलन में आज इस सभागार में, सुर सदन के सभागार में हजारों की संख्या में लोग आंदोलन करके आज चेतावनी देंगे दक्षिणांचल विद्युत को कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम हजारों की संख्या में एमडी को घेरेंगे और यहाँ टोरेंट को भी घेरेंगे। आज उन्होंने यहाँ लाइट काटने का काम किया है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए समाजवादी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। हम लोग पूरा किसानों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे अगर हमारी शर्त नहीं मानी। बिजली विभाग द्वारा हमारे किसानों के ट्यूबवेलों पर जो नए संयोजन हैं उन पर 18% GST लगा दी गई है। आज तक किसी सरकार ने किसानों पर GST नहीं लगाई कभी भी, 18% उनके कनेक्शन कटते जुड़ते हैं उस पर भी 18% GST। जो घरेलू आप बताओ कनेक्शन कट जुड़ रहा है उस पर GST कहाँ से लगनी चाहिए। साथ ही जो हमारे आगरा के किसान हैं वो TTZ क्षेत्र में आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं 24 घंटे बिजली दी जाती थी, किसानों को मात्र 10 घंटे बिजली दी जा रही, वो भी दिन में। हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिन्हें ठंडे में पानी लगता है, यानी धूप में नहीं लगाया जाता। जैसे मिर्च है, हमारी जो सब्जी जो खेतों में फैल के होती है, चाहे वो लौकी हो, चाहे तरबूज हो, चाहे कद्दू, इन सब्जियों को भी दोपहर में पानी नहीं लगाया जा सकता। समाजवादी पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, सम्मेलन बहुत आलीशान हुआ। हालांकि प्रशासन ने व्यवधान डालने की कोशिश की और असल सवाल ये है कि ये विचार आया सम्मेलन का, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने लाखों की संख्या में किसानों पर बकाया निकाल रखा है, लोगों के कनेक्शन काट दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है कि घरेलू कनेक्शन अलग है, नलकूप का कनेक्शन अलग है। जो निर्धारित समय है उतनी बिजली गांव में आती नहीं है, किसान बहुत परेशान है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो किसानों के सवाल और एक लंबे अरसे से हिंदुस्तान में किसान आंदोलनरत हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और असल बुनियादी सवाल उसमें ये है कि जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एक शांता कुमार कमेटी बनी थी हमारे देश में। शांता कुमार समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, वो BJP से मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में, भारत सरकार में मंत्री रहे, और उन्होंने ये सृष्टि की थी, बताया था कि सिर्फ 6% लोगों को हिंदुस्तान में MSP का लाभ मिलता है। बिजली विभाग तोरण, पुलिस का उत्पीड़न जिस तरीके से तराई तराई शहर से लेकर जिले गांव गांव में पब्लिक कर रही है, आज उसकी माँ पंचायत पूरे जेल शहर, जिला और शहर की बुलाई गई थी। आप देख रहे हैं कि सुर सदन से अंदर से लेकर बाहर तक जितना जनता का सैलाब है, आज हम लोगों ने संकल्प लिया है और बहुत जल्दी हम लोग एक डेट तय कर रहे हैं। सारे नेता लोग बैठ के हम लोग 25,000 की भीड़ के साथ, चाहे दक्षिणांचल हो चाहे टोरंट हो, इसकी ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे, क्योंकि हम जनता का उत्पीड़न किसी कीमत पे, चाहे वो व्यापारी हो, मोहल्ले बस्ती हो, चाहे वो शिक्षक हो, बेरोजगार लोग हो, जिस तरीके से कोरोना काल में लोग बर्बाद हुए हैं, उल्टी सीधी NOC और बिल बना के भेजा जा रहा है, उनसे धांधली हो रही है, दलाली हो रही है, उसको किसी कीमत पर अब समाजवादी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं फरुखाबाद में कोतवाली पहुंचे एक प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि प्रेमी जोड़ा नोएडा की एक फैक्ट्री में एक साथ काम करते हैं और दोनों ने फरुखाबाद के कायमगंज के एक मंदिर में मंगलवार को शादी कर ली है, और इसके बाद दोनों ने कोतवाली पहुंचकर खुद के बालिग होने की जानकारी देते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई।
मामले में पुलिस ने युवती के परिजनों से बात कर युवती को युवक के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि अलीगढ़ थाना की लोधा निवासी 19 वर्षीय रिहाना कायमगंज के गांव सलीमपुर टीलिया निवासी विकास कुमार राजपूत के साथ नोएडा के कारखाने में काम करती थी, जहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों प्रेमियों ने अपने परिजनों को बिना बताए शादी कर ली। बता दें कि प्रेमी जोड़े ने हिजाम नेता प्रदीप सक्सेना से मदद मांगी थी, जिस पर प्रदीप ने घसिया चिलौली स्थित बड़ी देवी मंदिर में दोनों की शादी करा दी। इसके बाद दोनों कोतवाली पहुंचे, जहां एसआई नीतू से मुलाकात कर दोनों ने खुद के बालिग होने के प्रमाण पत्र पेश किए और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। मामले में एसआई नीतू ने बताया कि लोधा थाने की पुलिस के माध्यम से युवती के परिजनों से बात की गई तो युवती के पिता ने कहा कि जब वो घर से चली गई तो अब उन्हें कोई एतराज नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को सुपुर्द कर दिया और प्रेमी जोड़ा खुशी खुशी अपने घर चला गया। मैं काम करता था, ये टिलिया सलीमपुर कायमगंज का है। अच्छा, ये लड़की भी वहीं रहती है, वैसे रहने वाली इसके लड़की के माँ बाप जो हैं अलीगढ़ के हैं और ये दिल्ली में रहते थे, तो इन दोनों में आपसी में प्रेम संबंध हो गए, जिस पे लड़की के माता पिता राजी नहीं थे, इधर लड़का के माँ बाप भी राजी नहीं थे। ये लोग आज वहाँ से भाग के चले आए और आके इन्होंने किसी ने कह दिया वहाँ हिंदू धर्म चला रहे चले जाओ, ये आए हमसे कहा तो हमने अपने माँ बाप से कह दिया कि शादी वो कराएंगे, तो ये बोले तो फिर हम जहर खा लेंगे, हम आपके यहाँ आए हमारी शादी कराओ। हम बाले गए, उन्होंने अपने आधार और सब दिखाया कि हम बाले गए, तो हमने कह दिया ठीक है फिर आप जाके मंदिर में शादी कर लो। तो फिर यहाँ पर ये इन्होंने गौशाला में भगवती गौशाला में यहाँ पर इन्होंने शादी की, जिसमें हमारे हिंदू धर्म के सब वहीं फतेहपुर में हुसैनगंज चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर का पुतला दहन किया। बता दें कि जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी, जिससे आक्रोशित विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने उनका पुतला दहन किया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ये तस्वीरें आपके सामने फतेहपुर से, जहां पर पूर्व राज्यसभा सांसद का पुतला दहन किया गया। दरअसल जावेद अख्तर जो कि गीतकार और फिल्म लेखक हैं, उनका पुतला यहां पर दहन किया गया है। एक न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू देते समय उन्होंने तालिबान की तुलना जो है वो आरएसएस से कर दी थी, जिससे नाराज जो दल हैं वो लगातार आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में भी इनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा था। हरदोई की गर्रा नदी की तराई में भारी मात्रा में सीप पड़े होने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि ये सीप तस्करों द्वारा नदी से निकालकर यहां डंप की गई है। बता दें कि इस इलाके में भारी मात्रा में सीप की तस्करी की जाती है। बीते एक महीने पहले भी पुलिस ने यहाँ से सीप से भरा एक ट्रक बरामद किया था। जानकारी के मुताबिक सांडी थाना क्षेत्र के नौनखेरा तापुआ के निकट ये सीप डंप की गई थी, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये वीडियो तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना में बीमारियां भी लगातार अपना कहर बरपा रही हैं, जो कि अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। तो वहीं मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिला मलेरिया विभाग ने एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। अधिकारियों का कहना है कि बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बेहतर उपाय है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर जनपद में मलेरिया, डेंगू और मच्छर जनित अन्य बीमारियों को रोकने के लिए जनता को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही रैपिड रिस्पांस टीमों का भी गठन कर दिया गया। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति के सदस्यों को भी जन जागरूकता के काम में तैनात किया गया है और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी घर घर जाकर बदलते मौसम और मच्छरों से बचाव और साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके साथ ही हाथरस के बागला जिला अस्पताल में 10 बेडों का डेंगू वार्ड और जिले के 7 सीएससी में भी 5-5 बेडों का डेंगू वार्ड तैयार किया गया। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिले में पिछले 7 दिनों में डेंगू मलेरिया के करीब 1900 से ज्यादा टेस्ट कराए गए। फिलहाल जिले में डेंगू का एक भी मरीज नहीं है, पर फिर भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर विकास और जो अपने जिला कार्यक्रम डिपार्टमेंट है, इन सब के साथ मिलकर बिल्कुल एक कार्यक्रम बनाई गई थी। उसके क्रम में पूरे जनपद में अलग अलग टीमें आज के डेट में कार्यरत है। जहाँ जहाँ जल जमाव की समस्याएं थी, वहाँ जल जमाव निकासी के लिए प्लस एंटी लार्वा स्प्रे, बाकी फॉगिंग करने के लिए चीज़ें टीम लगी हुई हैं।
अभी तक जनपद में डेंगू का कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ, बट हमारी टीम ऑलरेडी प्रोएक्टिव, अगर कुछ निकलता है पहले में डॉक्टर्स की टीम लगी हुई, कोई केस निकलता है तत्काल जाकर उन चीज़ों को अटेंड करें। हाँ, पूरी तैयारी कर ली गई है, जो डेंगू फीवर को लेकर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे और स्टाफ भी तैयार है। अभी वायरल फीवर और जनरल फीवर आ रहा है, लेकिन डेंगू का कोई पेशेंट सामने नहीं है, लेकिन तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। सर, लोगों में डर है, एक जो इस तरह से चर्चा है कि वो पैसे जो बुखार चल रहा है, किस तरह का ये क्या मामला है? ज़्यादातर वायरल फीवर है और बाकी हमारे यहाँ डेंगू की जांच की व्यवस्था है, बराबर जांच कराई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है। हरदोई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ग्राम पंचायत अधिकारी जनता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और गालियां भी देते नजर आ रहा है, यानी कि अभद्रता और बदतमीजी की हद पार कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी की पहचान कोथावा विकास खंड में तैनात लाल बिहारी के रूप में हुई है। वहीं जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद से विभाग में हड़कंप का माहौल है, तो वहीं जनता में भी आक्रोश छाया हुआ है और लोग लगातार आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले में भाकियो मजदूर संगठन दशहरी के जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने तो आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन करने तक का ऐलान कर दिया है। हरदोई की तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कार्रवाई की मांग भी लगातार उठती हुई नजर आ रही है। दरअसल ग्राम पंचायत अधिकारी ने जनता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद से भी लगातार लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। सहारनपुर में नगर निगम द्वारा शहर में घूम रहे आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। बता दें कि इस अभियान को नगर निगम की एक स्पेशल टीम द्वारा चलाया गया है। वहीं इस अभियान के तहत शहर के कई इलाकों में आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगाए गए हैं। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने जानवरों को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। सहारनपुर की तस्वीरें आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जानवरों को सड़कों पर छोड़ने वालों पर भी विशेष कार्रवाई की जाएगी। तो सहारनपुर की तस्वीरें जहां पर आवारा जानवर जो सड़कों पर घूमते हैं उनको पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सख्ताई भी देखी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति जानवरों को सड़कों पर छोड़ देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां की जाएगी। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के मऊ नखत गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव की एक महिला का शव पड़ोस के गांव के बाहर खेतों में पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक महिला घर से मवेशी चराने के लिए निकली थी, जिसकी अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं अज्ञात आरोपी की तलाश भी की जा रही है। तो कानपुर का एक पूरा मामला जहां पर महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल बताया जा रहा है कि महिला मवेशी चराने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात जब वो नहीं पहुंची तो परिजनों ने छानबीन करने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, तो उसका शव पड़ोस के ही गांव में खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद से ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं सहारनपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सहारनपुर क्राइम ब्रांच और नगर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 लाख से अधिक की कीमत की स्मैक जब्त की, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 10,000 की नकदी और 1 लग्जरी कार भी बरामद कर ली गई है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला जहाँ पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस लगातार अभियान चला रही है और ऐसे अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। सहारनपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सहारनपुर क्राइम ब्रांच और नगर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 लाख से ज्यादा की कीमत की स्मैक जब्त की, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी आपको दे दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 10,000 की नकदी और लग्जरी कार भी बरामद हुई है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। सीतापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा स्नान कर वापस घर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु जिले के नवा महमूदपुर गांव के रहने वाले हैं, जो कि गंगा स्नान कर घर लौट रहे थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ,
वहीं इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। कोतवाली देहात की चौकी कशनार क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सीतापुर में गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है। चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बदलते मौसम के साथ ही आगरा में डेंगू अब विकराल रूप लेता जा रहा है। बता दें कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों में जानलेवा स्तर पर शॉक सिंड्रोम के सिम्टम्स पाए गए हैं। फिलहाल एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इस पर काबू पाने का दावा कर रहे हैं। फिरोजाबाद के बाद आगरा में भी अब डेंगू के आंकड़े डराने लगे हैं। अगर बात की जाए एसएन मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ 12 नए मरीज ऐसे पाए गए हैं जो कि वायरल फीवर या डेंगू से ग्रसित हैं। इसके साथ ही आगरा में बच्चों में शॉक सिंड्रोम का भी असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि शॉक सिंड्रोम डेंगू का उच्चतम स्तर है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। फिलहाल सभी शॉक सिंड्रोम से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा दावा एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स कर रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज यादव ने बातचीत के दौरान बताया कि बच्चों के फेफड़ों में पानी भर जाना, ऑक्सीजन की कमी होना आम बात है। इसके बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल फीवर से बचाव के लिए मेडिसिन विभाग ने 24 बेड का वार्ड बनाया है। इसके अलावा 16 बेड का एक अन्य वार्ड भी बनाया गया है। वहीं डॉक्टर्स का दावा है कि आगरा में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, पर अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो जिले के आंकड़े भयावह साबित हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसको क्लासिफाई तीन तरह से किया गया है, एक माइल्ड, मॉडरेट एंड शॉक सिंड्रोम। माइल्ड में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं, फीवर आता है, फीवर के साथ साथ पैरासीटामोल से रेस्पॉन्ड करता रहता है, उतरता जाता है। सेकंड मॉडरेट फीवर, मॉडरेट फीवर में आपको फीवर के साथ साथ पेन इन एब्डोमेन, उसके साथ वॉमिटिंग और रेस्टलेसनेस, ये सिम्टम आते हैं। अगर यही बच्चा हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम में जाता है, डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम में, तो इसके साथ साथ इसमें ब्लड प्रेशर फॉल होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगते हैं, सांस की गति बढ़ जाती है, निमोनिया होने का चांस होता है और बच्चे का पल्स बढ़ता जाता है, कैपिलरी लीकेज काफ़ी ज़्यादा होता है, कैपिलरी लीकेज होने के कारण उसका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है। शॉक की अवस्था ये ज़्यादा देर तक परसिस्ट करती है, अगर इस समय में इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चा इरिवर्सिबल शॉक में चला जाता है और अंततः ये DIC और ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। देखिए, लखनऊ से परसों मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक थी, उसके पश्चात हमारे पास लखनऊ संजय गांधी से प्रोफेसर आरके सिंह को भी यहाँ आगरा भेजा गया, एक प्रोफेसर साहब मथुरा के लिए और एक फिरोजाबाद गए थे। प्रोफेसर आरके सिंह के साथ कल हम लोगों का यहाँ पर पहले हमारी गैप एनालिसिस हुई थी, डिस्कशन हुआ इस बात के लिए। वो एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 1.5 साल से कोविड के संबंध में जितनी भी हमारी गाइडलाइंस चल रही वो वही दे रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। तो उनके साथ पूरा डिस्कशन हुआ किस तरीके की व्यवस्थाएँ कॉलेज में हम लोगों ने की हैं, आगे की व्यवस्थाओं के लिए क्या कमी है। तो एक गैप एनालिसिस जो थी कल पूरा उसका वो पूरी तरह से कल वो हुई, करीबन 4 घंटे उनके साथ डिस्कशन रहा। उन्होंने इमरजेंसी में कुछ कमियाँ पाई जिसकी गैप एनालिसिस कमियाँ इन द सेंस है कि वो चूंकि वो एक इमरजेंसी केयर स्पेशलिस्ट हैं। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरौर गांव में एक दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने सरिया सीमेंट व्यापारी के घर में घुसकर परिवार के लोगों को बंधक बनाकर जमकर लूट की घटना को अंजाम दिया। परिवार वालों के अनुसार नकाबपोश बदमाश उन्हें बंधक बनाकर करीब 15 लाख नकदी, लाखों का सोना चांदी और एक कार लूटकर फरार हो गए। परिवार वालों ने बताया कि बदमाश पीछे के रास्ते से घर में घुस आए थे और उन्होंने एक एक करके सभी को उठाया और बंधक बनाकर बाहर के कमरे में बंद कर दिया, फिर इस लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं मामले में SSP रोहित सिंह सजवान ने बताया कि पीड़ित के अनुसार उसके घर में कुछ बदमाश घुस आए थे जो घर में जमीन खरीदने के लिए रखी नकदी, सोना चांदी के अलावा एक कार भी लूट कर फरार हो गए। SSP ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है, फिर यूनिट को भी मौके पर भेजा गया है और साथ ही सबूतों को जुटाया जा रहा है। घटना का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। नवाबगंज के अंतर्गत ग्राम बरौर में वादी जलीस अहमद के द्वारा यह सूचना दी गई है
कि उनके घर में कुछ बदमाश घुस आए थे और उनके द्वारा उनके घर में रखी नकदी जिसका उपयोग वो जमीन खरीदने की द्वितीय किस्त के रूप में देने के लिए करने वाले थे और साथ ही साथ उनकी जो बलिनो गाड़ी है उसको लेके चले गए। पुलिस के द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, मौके पर फील्ड यूनिट और अन्य टीमें लगा दी गई हैं और इसमें वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और वादी के कथन के अनुसार जितने भी साक्ष्य जुटे हैं उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जा रही है। लगभग रात के पहर 12:45 समथिंग या फिर 1 बजे, कुछ टाइम का ध्यान नहीं है कुछ। उस वक्त घर में लगभग 8-10 से 12 लोग लगभग आए और मुझे उठाया सबसे पहले। तुम कहाँ लेटे थे? बाहर लोबी में लेटता हूँ मैं। ऐसे अंदर क्या हुआ? फिर भाई को उठवाया मुझसे, फिर हम लोगों को दोनों को बांधा गया, फिर पापा को उठवाया गया था। कानपुर में खाद्य विभाग ने गुटखा फैक्ट्री में छापेमारी कर कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग को अवैध तरीके से गुटखा बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग ने छापेमारी की और गुटखे के नमूने लेकर टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। जानकारी के मुताबिक किदवई नगर के को ब्लॉक इलाके में फैक्ट्री चल रही थी जिसमें कैशपान मसाला के नाम से गुटखा बनाया जा रहा था, तो गुटखा फैक्ट्री पर छापेमारी हुई। छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। खाद्य विभाग की ये छापेमार कार्रवाई हुई है। हरदोई के अरवल थाना इलाके के बूचापुर गांव के बाहर खेतों में एक पेड़ पर किशोर का शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया। किशोर की पहचान गांव निवासी 17 वर्षीय अरविंद यादव पुत्र रामबाबू यादव के रूप में हुई है। मामले में परिजनों ने पुरानी रंजिश और मारपीट को लेकर हत्या किए जाने की आशंका जताई। वहीं मामला संज्ञान में आते ही अपर पुलिस अधीक्षक सीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी ने बताया कि मामले में सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले में स्थिति साफ हो पाएगी। ये डहलिया में एक बेचूपुरवा गांव है, वहां पे अरविंद नाम का 17 साल का लड़का है, वो अपने खेत में ही मक्के के खेत में कूलर के पेड़ से लटका अवस्था मिला है। परिस्थितियों के अनुसार उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद ही डिटेल जानकारी दी जा सकती है। परिजनों के आरोप यह है कि एक बार पहले मारपीट हुई थी 4 लोगों से, तो वो शक व्यक्त कर रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है। शाम को खेत को गया लगाने के लिए गायों के लिए, वहीं लगभग 9 बजे के आसपास, और फिर सुबह पता लगी उसको पेड़ में लटका कर मतलब मार दिया गया। ऐसा? हाँ, लोग बता रहे हैं, अंदर बता रहे हैं, ऊपर छाती आती में इंसान गले में रुमाल मिला, ऐठा हुआ, गांठ लगी उसके जेब में, सब मिला, आशंका मर्डर हुआ, मारा गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।